नागपुर से हैदराबाद जाने वाले यात्रियों की संख्या ज्यादा है। दिन प्रतिदिन इस दिशा में वंदे भारत शुरू करने की मांग भी आ रही है। इसे देखते हुए नागपुर हैदराबाद वंदे भारत का प्रस्ताव भेजा जाएगा, ऐसी जानकारी मध्य रेलवे के महाप्रबंधक रामकरण यादव ने की है। वह मध्य रेलवे नागपुर मंडल में शुक्रवार को पत्र परिषद में बोल रहे थे। वह बडनेरा नागपुर वार्षिक निरीक्षण के लिए नागपुर आए थे। उन्होंने बताया कि वंदे भारत यात्रियों के लिए अच्छी साबित हो रही है। हैदराबाद के लिए वंदे भारत चलाने का प्रयास किया जाएगा। इसी तरह अयोध्या के लिए नागपुर से कोई ट्रेन चलाने के बारे में उन्होंने मांग आने पर स्पेशल ट्रेन चलाने का आश्वासन दिया है। नागपुर से दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन सेवा को उन्होंने तवज्जो नहीं दिया। नागपुर रेलवे स्टेशन के कायाकल्प का काम युद्ध स्तर पर हो रहा है। यात्रियों को अत्याधुनिक प्रणाली की सुविधा दी जाने वाली है। वर्ष 2025 के दिसंबर माह तक नागपुर रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने की योजना है। हालांकि अजनी रेलवे स्टेशन का नागपुर के साथ ही काम चल रहा है, लेकिन इसे साकार होने में वर्ष 2026 के मई महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। गत 4 साल से नागपुर वर्धा थर्ड लाइन का काम तेजी से चल रहा है, ऐसे में इसे पूरा होने में और 1 साल का समय लग जाएगा। बताया गया कि वर्ष 2025 के मार्च महीने में इसे पूरा करने का रेलवे ने लक्ष्य रखा है। आज वर्धा से लेके बडनेरा से लेके नागपुर तक का एनुअल सेफ्टी इंस्पेक्शन था। हर साल हर डिवीजन को एक सेक्शन नॉमिनेट करते हैं कि इसका इंस्पेक्शन किया जाएगा। उस सेक्शन में पूरा इनपुट दिया जाता है, ट्रैक के ऊपर, बिल्डिंग्स के ऊपर, स्टेशन के ऊपर ब्रिजेज हैं, वो दिया जाता है। उसके बाद हमारे हेडक्वार्टर की टीम आती है, इंस्पेक्शन करती है। आज इसी क्रम में बडनेरा से नागपुर तक का इंस्पेक्शन हमारी टीम ने किया, हेडक्वार्टर की सारे डिपार्टमेंट के PHODs से, और 8:30 बजे हमने इंस्पेक्शन चालू किया। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी हेडक्वार्टर की टीम पूरी संतुष्ट थी, काफ़ी अच्छा काम हुआ है। ब्रिजेज का मेंटेनेंस काफ़ी अच्छा था। जो लिमिटेड हाइट सबवेज हैं उसको हमने जो इंस्पेक्ट किया वो भी काफ़ी अच्छे कंडीशन में थे। स्टेशंस काफ़ी साफ सुथरे, कॉलोनी में काफ़ी काम हुआ है, क्योंकि उसमें 3-4 महीने के अंदर काफ़ी इनपुट दिया गया है। और यही इसका पर्पज़ है कि इस सेक्शन का नंबर फिर 3 या 4 साल बाद आएगा, तब तक के लिए इसमें रेगुलर इनपुट, जो एक्सटेंसिव इनपुट है, उसकी ज़रूरत ना पड़े। ये दौरा सफल रहा है। बजट पे हमेशा रेलवे को जो है, आपको ध्यान होगा कल माननीय रेल मंत्री जी ने बताया था कि पिछले साल 2,40,000 करोड़ रुपए का अलाटमेंट था रेलवे को, इस साल 2,55,000 करोड़ का अलाटमेंट है। तो अलाटमेंट ये अनप्रेसिडेंटेड है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए है। और इसमें 3 कॉरिडोर बना रहे हैं, एक तो पोर्ट का कॉरिडोर था, एक एनर्जी कॉरिडोर है, और थर्ड हाई डेंसिटी SDN। तो इस पर कार्य चल रहा है। इसमें हमें जो हमारे पास आज की डेट में कैपेसिटी है वो अभी कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमारी जो कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो इसीलिए जब से बजट मर्ज हुआ है सेंट्रल बजट से, पहले इतनी बजट नहीं मिलता था रेलवे को, अपने जितनी अर्निंग है उसी से काम करना पड़ता था, उसके लिए भी डिविडेंड देना पड़ता था। तो वो सब चीज़ें जब से सरकार आई है तो ये सब चीज़ें बंद की हैं और फुल सपोर्ट मिल रहा है। तो 2,55,000 करोड़ का बजट बहुत बड़ी बात है और उसमें काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। जो हर साल करीब प्रतिदिन, इस साल 15 किलोमीटर पर डे के हिसाब से ट्रैक हम ऐड कर रहे हैं, और अगले 5 या 6 साल के अंदर इसी स्पीड से काम करते रहेंगे तो करीब 40,000 किलोमीटर ट्रैक ऐड होगा। तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो निश्चित रूप से पैसेंजर्स की जो डिमांड होगी फुलफिल होगी, और ज़्यादा ट्रेनें चलाई जाएंगी, और ज़्यादा पैसेंजर चलेंगे, सुविधाएं बढ़ेंगी और सेफ्टी बढ़ेगी। इसी के साथ रामकरण यादव द्वारा कहा गया कि स्टेशन परिसरों और ट्रेनों में लगातार बढ़ रही चोरियां, रेलवे संपत्ति की चोरियां व नुकसान समेत यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा पर उन्होंने कहा कि CCTV कैमरे इंस्टॉल किए जा रहे हैं, इंजनों में कवर सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। ये बताने पर कि नागपुर स्टेशन पर कुछ हार्डकोर क्रिमिनलों की ठेका मजदूरों के तौर पर आवाज आई है। कुछ दिन पहले एक ट्रेन की साइड पैंट्री के वेंडरों के पास ID कार्ड ही नहीं थी, RPF ने अरेस्ट करके जेल भेजा। इस पर उन्होंने भी स्वीकार किया कि ऐसे मामलों में गंभीरता के साथ ठेका मजदूरों की ID कार्ड देने से पहले पूरी जांच होनी चाहिए।
कैमरा पर्सन राजकुमार बोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।